नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के रियाल्टो चौक में लुटेरों ने लूट की नियत से चलाई गोली, एक नौजवान की हुई मौत। अमृतसर के अधीन आते इलाके नवाकोट में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, 26 तोला सोना, 70,000 रुपए की नकदी चोरी कर हुए फरार। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्री अकाल तख्त साहिब से निकाला गया अलौकिक नगर कीर्तन, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के रियाल्टो चौक में गत रात्रि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो नौजवानों द्वारा एक्टिवा सवार भजन मंडली नौजवान को निशाना बनाते हुए बैग छीनने की फिराक में गोली चला दी गई, जिस कारण एक नौजवान की मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के साथी ने बताया कि वे भजन मंडली का काम करते हैं। गत रात्रि जागरण करने के लिए वे दयानंद नगर जा रहे थे। इस दौरान अचानक रियाल्टो चौक में पीछे से आए तीन अज्ञात नौजवानों द्वारा उनका बैग छीनने की कोशिश की गई, पर जब उन्होंने बैग नहीं छोड़ा तो मोटरसाइकिल सवार लुटेरों द्वारा एक्टिवा चला रहे युवक की छाती में गोली मार दी गई, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि फिलहाल वे मामले की जांच कर रहे हैं, जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। प्रोग्राम ते गए ही, एक कीर्तन ला के आए ही, दूसरे ते जगराते ते चले ही, उते रस्ते च हादसा हो गया। ये किथे जाके हादसा वापरिया? आमले चौंक ची जिते हॉस्पिटल सीगा। हां जी, राडू चौंक। ते जे पुलिस दी की वेखदे हो, जिवें रात नु बंदा की निकल सकदा बाहर के नहीं निकल सकदा, जे जिस हद दे हालात होए? पुलिस वाले बस नाके नाके ते खड़े होने चाहिए, होंदे नहीं है, ते ओदे थां थां ते शराबा पी के बैठे होंदे आ। जे इत्थे खड़े होन चौंकां च ते कदी हादसा नहीं हो सकदा। ए वाला जागरण करने वास्ते जा रहे सी दयानंद नगर, तो जो रियाल्टो चौंक से थोड़ा जा अगे पहुंचे सी, तो रस्ते दे विच पिछों तीन बंदे आए है, कोई सानू अनपछाते बंदे सीगे, साडे वाकफ नहीं है, अनपछाते बंदे सीगे। उन्होंने मेरा बैग खोया आ, तो जो बैग नूं झटका वजा तो जिहड़ा अगे बैठा सीगा ना, जिहड़ा पिछे जिहड़ा सब तो पिछे बैठा सीगा, उसने उन्हूं झटका वजा बैग खोण की कोशिश की, तो जिहड़ा अगे बैठा सीगा बंदा उन्हें गोली चलाती, बैग लैके फरार हो गए। वो गए सीधे ही चौंक जिहड़ा उधर पैंदा ना आबादी वाल नूं, उधर भज गए सारे। सर जी, समझो तुसीं कित्थों आ रहे थे, जागरण करन जा रहे थे जी? किहड़ी जगह तों आ रहे थे? उस तों पहलां असीं वाल्मीकि सत्संग ते सीगे, खजाने गेट ग्राउंड दे विच, चौंक दे विच। उत्थों असीं 11 कवी नाल सत्संग खत्म कीता आ, ते साडा जगराता सीगा अपने जिहड़ा चौंक जिहड़ा रिहा ਚਿਕ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਪੈਂਦਾ, ਰਿਆਲਟੋ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਉੱਥੇ ਦਿਆਨੰਦ ਨਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਦਿਆਨੰਦ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਉਹ ਬੈਗ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਗਰਾਤੇ ਦੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਸ ਖੋਣ ਪਏ ਆ, ਬੈਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਖੋਣ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਡੈਰੀਆਂ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ, ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੇ ਜੇ, ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਥਾਣਾ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਕੇ ਅਧੀਨ ਆਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵਾਕੋਟ ਮੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੋਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਮੇ ਚੋਰੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦਸਯ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੋਏ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਚੋਰ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਯੋਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि वे अपने घर के कमरे में सोए हुए थे और जब सुबह उठकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। जब उन्होंने घर का सामान चेक किया तो 26 तोले के करीब सोना, 70,000 रुपए की नकदी चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल सीसीटीवी कैमरे कब्जे में ले लिए गए हैं, जिनकी जांच की जाएगी और जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साढ़े घर रात चोरी हो गई है, रात में 10 बजे असी सुते हैं, तो सवेरे 3 बजे मेरी 3:30 बजे 3:40 ते अख खुली है, तो मैं मोबाइल च टाइम देखा तो 3:40 है गए सी, तो मैं फिर सौ गई हाँ कि हले टाइम है। दोबारा मेरी 5:40 खुली है, पौने 6:45 ते मैं उठ के बाहर आई हाँ बाथरूम जाने वास्ते, तो देखे सारे घर का समान बिखरिया पाया सी, 2 कमरिया च अलमारियां टूटिया हुई सी, ते सारा कुछ एक एक चीज फोल फाल के सब कुछ लै गए। की तुहाडे घरों लै के गए ने, किन्ने दा नुकसान हो चुका है? लगभग 60,000 रुपया है सी मेरे पर्स च, ते ओ लै गए। ते उस तो बाद एग्जैक्ट ते मैं उपर थले हो सकदा तोला 2 तोले 25 तोले ते लगभग सोना लै गए। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 20 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਟੀਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲਦੀ ਸੋ ਗਏ ਥੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਝੇ ਸੁਬਹ 5:40 ਪੇ ਮੰਮੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੋਨੇ ਕੀ। ਮੈਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਬ ਹਮਨੇ ਔਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹਮ ਔਰ ਮੰਮੀ ਸਾਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਹਮਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾ ਤੋ ਪੂਰਾ ਘਰ ਕਾ ਸਮਾਨ ਬਿਖਰਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰੋ ਦੋਸਤੋ ਕੋ ਫੋਨ ਕੀਆ ਕਿ ਯਾਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਹੁਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵਹਾਂ ਸੇ ASI ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ 7 ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸੇ, CCTV ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਹਾਂ ਸੇ। ਅਬ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਯੇ ਅਬ ਹਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਮੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 7ਵਾਂ ਵਹਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਕੂਦ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਐਸੇ ਐਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਸ। ਆਮ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਥੇ ਵੋ? ये तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं कैमरे में क्या आया है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि ये ज्ञात रखो, उसमें आया है कम से कम एक ही आदमी था जो ऐसे कूद के आया, बस हम चाहते हैं हमारा नुकसान वापस मिल जाए। हमारी मेहनत क्यों है? 25-30 तोले सोना था, मतलब 25-30 लाख का सोना था जी, और 60-70 हज़ार कैश थे। अब क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं हमारी मेहनत की कमाई हमें वापस मिल जाए। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 19 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਪਰਚਾ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ? ਇਹਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਅੱਧੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੀ ਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਘਰ 'ਚ ਜੀ, ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਪੌੜੇ ਥੋੜੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕੀ ਰੱਖਣ ਪਰਵਾ ਵਾਲੇ? ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਿ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਤੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਗਿਆ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਿੱਖੋ ਕੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਔਰ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇ 5 ਪਿਆਰੋਂ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ छत्र छाया में निकाला गया। ये नगर कीर्तन गुरुनगरी अमृतसर की 4 दीवारी से होता हुआ वापस श्री हरि मंदिर साहिब में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान संगत ने जगह जगह लंगर लगाकर, मंच लगाकर और पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस अवसर पर शिरोमणि कमेटी के प्रधान
हरजिंदर सिंह धामी और अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने सभी को गुरु पर्व की बधाई दी और गुरुओं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब के एडिशनल हेड ग्रंथी ज्ञानी मलकित सिंह ने सभी देशवासियों को श्री गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस नगर कीर्तन में धार्मिक सिख जत्थेबंदियों, निहंग सिख जत्थेबंदियों, स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में संगत ने हिस्सा लिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज का नगर कीर्तन जो विशाल नगर कीर्तन निकल रहा, ये पहलों तो संगतान सारे मैं बधाई देना चाहना, लख लख बधाई हो। सवेरे हूँ इतों लग के वेख्या सवेर दगत इदा आ जा रही, बहुत महाराज की कृपा वा। इतों आरंभ हो गए सारे जो पुरातन शहर जोड़ा सी और सारे दरवाजे तो बहर ही हो के शामा फिर समाप्ति इतें ही होनी आ। तो सारिया संगतान अं आने भागा वाले बनो, आओ दर्शन करो, घर तो बहर निकलो। तो बड़ी महाराज की रहमत आ, सारे अपने जीवन सफल कर रहे हैं, इतने पहुँच रहे हैं। प्रधान साहब वालों चेरा प्रबंध किया गया, मैनेजर साहब वालों बहुत सोहने प्रबंध किए गए हैं। आओ जी, तुहानू जी आए आखते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब से नगर कीर्तन कढ़िया गया, तो संगतान नूं असीं लख लख वधाई देने आ। गुरु रामदास जी का प्रकाश जिस दे उत्ते ते संगतान नूं वध चढ़ के हुम हमा के पहुँचना चाहिए, तो गुरु साहब नूं श्रद्धा वास्ते उत्थे पहुँच के अपना नगर कीर्तन दियाँ रौनकां वधाउणियां चाहीदियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचखंड श्री हरिमंदर साहब के प्रबंध वालों हर साल की तरह साहिबी कमाल गुरु रामदास पातशाह जी के प्रकाश पुरब को समर्पित जेड़ा नगर कीर्तन अलौकिक नगर कीर्तन 12 बजे श्री अकाल तख्त साहब तो आरंभ होंदा है। वह अज अकाल तख्त साहब तो आरंभ होंदा होया वख वख पड़ावां रहत पुराने शहर की परिक्रमा करता होया अखीर अकाल तख्त साहब ते ही शाम को संपन्न होएगा, जिस विच वख वख स्कूलों तो बच्चे शमूलियत कर रहे हैं। होर भी प्रेमी जन वख वख प्रेमी जन जिहड़े आ संगती रूप में इस गुरपुरब का लाहा लेंदे हुए अपने जीवन में सफला करते हुए अज प्रकाश पुरब दीआं खुशियां मना रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। संगरूर के भसोड़ गांव का जवान हरविंदर सिंह राजौरी में शहीद हो गया। 5 साल पहले भारतीय फौज में ये जवान भर्ती हुआ था, लेकिन भारतीय सेना द्वारा उसे कोई सम्मान नहीं दिया गया। इस दौरान पंजाब पुलिस की ओर से जवान को सलामी देकर अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि वे शहीद हरविंदर सिंह की शहादत को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि उनके इलाके का एक जवान देश के लिए शहीद हुआ है। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की ओर से परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की गई है और पंजाब सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सम्मानित राशि जो एक जवान को दी जाती है वो 1 करोड़ रुपए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद शहीद के घर जाकर देंगे। वहीं पूर्व सैनिक कमल कुमार वर्मा ने कहा कि उन्हें हरविंदर सिंह की शहादत पर बहुत मान है, लेकिन भारतीय सेना द्वारा जो सम्मान हरविंदर सिंह को दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, जिस पर उन्हें बेहद अफसोस है। लेकिन वे पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस जवान को अंतिम विदाई के समय सलामी देकर उसे श्रद्धांजलि दी है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। 7 दिसंबर 2018 इन्होंने इंडियन आर्मी सिखलाई दे विच अपनी ज्वाइनिंग की है। तकरीबन इस 5 साल हो गए सी अपनी सेवावां देंदे हुए इंडियन आर्मी नूं। तकरीबन ये अपना 12 पास करके फौज दे विच अपनी नौकरी करन लई चले गए। समझा कि बहुत परिवार के लिए, अपने सारे बड़ा दुख और सोगमय समय है जब एक नौजवान जिन्हें अपनी जिन्हें कल्या ने नहीं पूरे परिवार ने आपदे अपने देश को समर्पित कर रखे है। नौजवान साथी हरसिमरन वह शहादत प्राप्त कर गए ने और उन्होंने वड्डे भरा भी आर्मी दे विच सर्विस दे रहे ने, देश की सेवा कर रहे हैं। फादर साहब निसार निर्मल सिंह वह भी एक्स आर्मी मैन ने। सो मैं समझता कि सारे सारा परिवार है जिहड़ा वो देश की सेवा में समर्पित है। सो यह जिहड़े बच्चे जाते हैं, यह जे शहीद जाते हैं, वो किसी एक परिवार के नहीं होंगे है, उस समुचे
समाज के ने समुचे पंजाब के ने और समुचे देश के ने। तो अज इस साढ़े साथी नूं शरदा के फुल अर्पण करने के लिए परिवार के नाल दुख सांझा करने के लिए मैं पहुँचा और उचेचे तौर पर पंजाब के माणयोग मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान जी ने उन्होंने भी पहुँचना सीगा पर कुछ जरूरी रुझेवें करके नहीं पहुँच सके है, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है। सो सीएम साहब वालों सारी सरकार वालों एडमिनिस्ट्रेशन वालों असी सारे पहुँचे हाँ परिवार के दुख साझा करने के लिए और नमन करते हैं उस साथी की शहादत को तो परिवार को सलाम करते हैं कि जिन्होंने जिन्हों के सारे मेल मैंबर ही फौज के सर्विस कर रहे हैं देश की सेवा कर रहे हैं। भगवंत मान जी ने पहले दिन तो ही तहिया किया हो कि जोड़ा भी कोई साथी जाता है देश की सेवा करता हो समाज की सेवा पंजाब की सेवा करता होयानू 1 करोड़ रुपए की राशि है जी वो सन्मान राशि वजो दी जाती है तो बड़ी जल्दी ही यह राशि भी मानयोग मुख्यमंत्री साहब खुद आप आके देकर जाएंगे। सर परिवार को कोई नौकरी देखो ये भी सीएम साहब के ध्यान है मैं समझता कि डेफिनेटली उन्होंने प्रायोरिटी है तो आने वाले समय के भी जो उचित फैसला होगा मुख्यमंत्री साहब आप आके अनाउंस करके जाएंगे। माननीय मंत्री साहब ने कहा है असं अज उन्होंने शहादत को सलाम श्रद्धा के फुल देने पहुंचे है सरकार वालों जो भी सम्मान राशि तो होर सहूलत जड़िया दिखाई जाएगी वो सरकार देने वचनबद्ध है तो जल्दी उन्होंने बारे भी इतला परिवार को दे दी जाएगी। सर साडे पिंड दे इस शहीद नौजवान वास्ते तो शब्द नहीं है कहने लई क्योंकि बहुत पिंड वास्ते तो माण की गल है बच्चा शहीद होया पर माँ बाप वास्ते बहुत दुख की गल है एडा बड़ा पत्थर दिल से रखना माँ बाप वास्ते बहुत मुश्किल होंदा तो इस तो पहला भी साढ़े पिंड दे शहीद होए सीगे जसवंत सिंह तो अज ये बच्चा जो शहीद होकर उतों आया तो पता लग्या भी फौज ने इन्हां नूं कोई मान सम्मान नहीं दिता। असीं शुक्रगुजार हाँ संगरूर प्रशासन के पंजाब सरकार के जिन्हां ने इन्हां दा बणदा सम्मान इन्हां दी अंतिम रसम वेले जिहड़ा दिता सल्यूट दिता पुलिस ने आके असीं धन्नवादी हाँ SSP साहब संगरूर स्पैशली DC साहब संगरूर दे ते मान साहब वालों अरोड़ा साहब हुण कह के गए ने भी जिहड़ा भी बणदा मान सम्मान इन्हां दा हक है परिवार का वो जरूर मिलेगा तो पंजाब गवर्नमेंट ने इन्हां नूं शहीद का दर्जा दिता असीं धन्नवादी हाँ भी इत्थे तक होया चलो सेंटर सरकार नाल तां जिहड़ा कुछ होगा असी देखांगे जो भी होगा असी दवाउण दी कोशिश करांगे पर पंजाब सरकार ने जिहड़ा स्टैप लिया बहुत वधिया लग्या है क्योंकि तो साढ़े सारे पिंड नूं कि सानू सारी पिंड नूं कि साढ़े सारे ही जिन्नियां भी साबका सैनिकां दीआं जथेबंदियां ने बहुत माण है इस वीर ते कि ये वीर जिहड़ा शहीद होया ये देश की रक्षा करदा शहीद होया नशियां दे टीके ला के मंजिआं दे पै के एक्सीडेंट नाल लुट्टां खोहां च कितें शहीद नहीं होया बच्चा है जिहड़ी मौत हुई है बहुत माण वाली मौत है तो शरीर लई अपने जिहड़ा इहदा आया पार्थिव शरीर उहदे नाल चलो फौजी भी आए ने बहुत वधिया गल है सानू माण है उन्हां ते भी वीरां ते जिहड़े आए इन्हां दे नाल एस्कॉर्ट करके तो इस वीर की शहादत असीं हमेशा याद रखांगे तो कुछ ना कुछ अपने बच्चों जिहड़े नवें बच्चे ने उहनां नूं इही कहने भी देखो किड्डी वधिया मौत इह बच्चा इहनूं प्राप्त हुई है तो गुरां दे चरणां च गया है नशियां तों दूर हो के देश की सेवा करो इन्हां जिहड़े होर प्रचंडा च बच्चे पए हुए हैं प्रपंचां च पए ने इन्हां तों दूर रहन इह तों सिख्या लैन ते धन्नवाद असीं इक वारी फेर करदे हां सरकार दा ते तुहाडे चैनल राहीं असीं सारी पंजाब नूं कहना चाहुंदे हां भी बच्चो देखो इदां दी मौत सिर कढ़वीं मौत हुंदी है ते परमात्मा तुहानूं सारिआं नूं सदबुद्धि देवे। धन्नवाद दोस्तो। किस तरह जर इह घटना वापरी कोई पता लग्गिआ इहदे बारे? नहीं सर इह हाले उपरों सानूं पता नहीं लग्गिआ जिहड़े बच्चे नाल लै के आए ने इहनां नूं उहनां नूं नहीं पता क्योंकि उह भी थल्ले वाले यूनिट दे सी साडे फौज च ऐ हुंदा वी जिहड़े नेड़े तेड़े दे हुंदे ना उहनां नूं पुछ लैंदे वी आह वी इह सेरी दा कौण है इहनां नूं हाले कुछ नहीं पता ते कोई जिहड़ी भी आऊगी रिपोर्ट आऊगी डॉक्यूमेंटेशन होऊगी उत्थे ओ फिर असीं साझा करांगे तुहाडे नाल दसांगे ते हाले तक हाले पता नहीं लग्गा। सरकार तों मंग भी करोगे किस तरह की परिवार के लिए नौकरी जां होर सेंटर सरकार दे? बिल्कुल सेंटर सरकार तों करांगे ते पंजाब सरकार तां चलो साडे नाल खड़ गई आके बहुत वधिया गल है सेंटर सरकार वालों भी कुछ ना कुछ असीं कोशिश करांगे भी इस परिवार के नाल खड़न ते आगे इस परिवार की सहायता करन। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार की पूरी लीडरशिप भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में नतमस्तक होने के लिए पहुंची जहां उनकी ओर से गुरुघर में माथा टेक कर सरबत के भल्ले की अरदास की गई। इस मौके पर वित्त मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान भगवान वाल्मीकि तीर्थ में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। इस दौरान भक्तों द्वारा पवित्र सरोवर में स्नान भी किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने
समूह संगत को इस शुभ दिन की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के दरबार में आकर उन्हें बहुत आनंद और शांति मिली है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सब तो पहला सारयां नूं भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस दी बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे नाल साडे सारे कैबिनेट कलीग सरदार हरभजन सिंह ईटीओ साहब, सरदार बलकार सिंह जी, सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी, सरदार लालजीत सिंह जी भुल्लर साहिबान, सारे एम एल ए साहबान अमृतसर तो सारे आए ने गे। अज आ के गुरु साहबान के दरबार के आके मैं समझदा बहुत ही सुकून मिलेगा गया, बहुत ही सानू सारे तसली हुई हैगी। सो मैं समझदा साडा समाज जिहड़ा वो लगातार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस खोलण का कंसैप्ट जिहड़ा वो सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो शुरू किया पंजाब के अंदर, क्योंकि इन्हों स्कूलों के अंदर अच्छे स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर जो तो बच्चे पढ़ने तो बच्चे जाके अच्छिया नौकरियां प्राप्त करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छे समाज के अंदर अपना अच्छा नाम कमाएंगे। जो सिख्यावान सानू भगवान वाल्मीकि जी ने दित्तियां कि स्त्री जाति का सन्मान किवें करना गा, साडे बैटर हाफ का सन्मान किदा करना गा, वो सिख्यावान ते अज मैं समझदा चलण की लोड़ आ। भगवान वाल्मीकि जी ने सदियां पहला सानू संदेश दिता सी औरत दे सन्मान दा, कलम जिहड़ी भगवान वाल्मीकि जी दी जे हद अंदर कलमा जो पेन्ना मैं समझदा अज्ज दे मॉडर्न समय जे आपां कह लईए ते पेन्ना तो इस गल दा संकेत आ, इस गल दा सबूत आ कि समाज जिहड़ा गा वो पढ़ लिख के ही तरक्की कर सकता गा। सोसाइटी दे अंदर, समाज दे अंदर किसी भी पक्ष तो जेकर असीं पढ़ाई करते हैं तो ही असीं अगे वध सकते हैं। सो मैं अज के शुभ दिहाड़े ते सब नूं यही बेनती करांगा कि अपने अपने बच्चों नूं अच्छी तमील, अच्छी एजुकेशन दिओ और भगवान वाल्मीकि दी सिख्यावां ते सारे जने चलो तो मैं समझदा जीवन जिहड़ा सफल हो सकदा। मैं समझदा कोई भी किसी किस्म की राजनीति नहीं हैगी। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने सारिया सियासी धिरां नूं सद्दा दिता गा कि आओ आके पिछले पंजाब 70 साल पंजाब का की हाल होया, पंजाब च नशे किने लेके आए, पंजाब च SVL किने कढ़ी, इन्हां सारे मामलों के उत्ते जिहड़ी सारथिक अगाह बधू बहस होनी चाहिए। सो दे लई सद्दा गा, सानू पूर्ण उम्मीद आ कि सारे आउणगे आके अपने अपने पक्ष, अपने अपने सार्थक पक्ष रखणगे और पंजाब की तरक्की की गल करनगे। समा बिहा चुके जिन्हां नूं पंजाब दे लोकां ने नक्शे तो खत्म करता पंजाब दे तो, वो मैं समझदा अज बेतुकियां बेलोड़ियां गल्लां कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी दे प्रकाश उत्सव दे मौके ते परमात्मा दे कोलों, भगवान वाल्मीकि जी दे कोलों आशीर्वाद लैण आए और अरदास करना है कि भगवान वाल्मीकि जी आशीर्वाद देन सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार दे, ता जो सारे समाज का, सारे पंजाब का, अपने अमृतसर जिले का जो सारे समाज का जोड़ा वो विकास कर सके और समाज के अंदर जोड़िया जात पात खत्म कर सके। बहुत नीति साड़ी सब तो वड्डी नीति है कि असी एजुकेशन जी जे अपने पिछड़े गरीब बच्चे है उन्होंने जो एमीनेशन स्कूल असी शुरू किए मान साहब ने, असी वो एमीनेशन स्कूलों के राही गरीब बच्चों पढ़ा के उन्होंने बराबर के रुतबे जोड़े है उन्होंने तरक्की जी चाहते हैं। असी समझते हैं कि एजुकेशन तो बिना समाज तरक्की नहीं कर सकता, गरीब तरक्की नहीं कर सकता, इस करके मतलब जो एमीनेशन स्कूल जो असी वो कामयाब कर ले तो असी समझो कि भगवान वाल्मीकि जी के सिद्धांतों के उत्ते पैदा देंगे और समाज के अंदर जी एजुकेशन की जागृत। अमृतसर के जोड़ा फाटक के अधीन आते गाँव कालरा में आए दिन लूटपाट की वारदातें सामने आ रही है और नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इलाका वासियों की ओर से रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि पहले यहां पर पुलिस चौकी होती थी जिस कारण लूटपाट की वारदातें नहीं होती थी, लेकिन जब से पुलिस चौकी यहां से उठाई गई है आए दिन लूट की वारदातें बढ़ रही हैं और नशा भी बिक रहा है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के देख रहा है जिसके चलते मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे मजबूरन पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
असं कल थाने अगे लावे अच जोड़े फाड़क कारण यह है कि हर रोज लुट्टा खोवा रही है एक इतों चौंकी चुकवा दी है उस करके बहुत ज्यादा साढ़े लुट्ट खो बोड़ी हो रही है देती है जी कल की 180 फोन किया नहीं उन्होंने वालों यही है कि PCR आनी चाहिए रात को देखो मंडी जो सवेरे 4 बजे बंदे जाते हैं 4 बजे लुट खो कर लेते सारे उतो मान लो भी मजदूर तबका रहा वा बैंडिया रेंदे आ रश्क वाले रेंदे आ कल अपने एक बंदे की नाले उदा कुटमार हुई आ नाले ई रिक्शा खोया वा जे आप मान लो भी थाने वाले कहा तो थाने वाले साड़ी इतने कोई सुनवाई नहीं की आप आख्या भी ते जे पुलिस मुलाजम आ अपनी हाथ छड़ के उत्ते गश्त कर ना तो उत्थे कल का किसी ने गश्त की ना उत्थे कोई पुलिस का नुमाइंदा बढ़िया ना इतने कोई सरकार का होया भाजी लुटा होवाइया ये एक दिन भाजी तीन तीन होवाइया एक हो मंडी च एक भाजी पिंदी लागे हुई आ एक साढ़े पिंड च हुई आ एक साढ़े मड़िया लागे हुई आ जिदे मान लो भी नालो मजदूर बंदे दे सट्टा ला गए नाल उन्होंने मोबाइल लै गए नाले उन्होंने कोल थोड़ा कैश ही वह लै गए। भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस जंडियाला गुरु में बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर भगवान वाल्मीकि मंदिर नथुआना गेट जंडियाला गुरु में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO और बाबा परमानंद की ओर से झंडे की रस्म अदा की गई जिसके उपरांत भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO ने कहा कि आज बहुत ही महान दिन है, देश विदेश में रहते भारतीयों की ओर से भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी को इस दिन की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर भगवान वाल्मीकि जी के भक्तों ने कहा कि हमें दीपमाला करनी चाहिए और बुरे कामों को छोड़कर अच्छे कार्य करने चाहिए और अधिक से अधिक समाज भलाई के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। बड़ा महान दिन साडे वास्ते भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रगट दिवस मैं देश विदेश दे विच जिन्ने भी पैरोकार बसे ने मैं सारे इस शुभ अवसर के उत्ते वधाई दिना शुभकामनावां दिना नाल ही महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के चरणों के बेनती करदा कि वो सानू होर बल बुद्धि बख्शन असी उन्हां दे पाए हुए पूरनियां ते चल के समाज नू जिहड़ा होर सेध दे सकीए जिस तरह का समाज सिरजन वास्ते उन्होंने कहा सीगा उस तरह का समाज जिहड़ा आ उह सिरजीए जिहदे विच कोई जात पात कोई नाम बराबरी कोई किसी तरह का वितकरा जिहड़ा आ ना होवे। सो मेरे तो मेरे वल्लों दुबारा इस जंडियाला हलके ते जंडियाला शहर के निवासियों नूं महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस दीआं लख लख वधाईआं। महान दिवस है अज भगवान श्री वाल्मीकि जी का प्रकाश उत्सव आ सारे संसार दे विच जो उत्सव है बड़े श्रद्धा ते प्रेम दे नाल मनाया जांदा और साडे जंडियाला गुरु विखे साडे सरकार योग कैबिनेट मंत्री सरदार भजन सिंह ETO जी ने हुणे हुणे वाल्मीकि मंदिर विच झंडा लहराउण दी जो रस्म अदा करके गए आ अपने वल्लों सारिआं नूं वधाई दे के गए आ। असीं ते इही एक अरदास बेनती आ भगवान जी दे महाराज दे चरणां च कि जो पंजाब दे विच साडे विच शांति दा माहौल बणे लोग एक दूजे मिल के जुल के रहन उन्होंने संदेश भी यो ही जो रामायण राही उन्होंने संदेश दिता वो सानू सारे ही संदेश के उत्ते चलण की कोशिश करनी चाहिए ता कि यह सारा जो संसार आ सुखी रह सके। मैं अपने दिल दी गहराइयां तो अपने वालों अपनी सारी जने की टीम वालों श्री भगवान मालविक जी के प्रकाश युद्ध उत्ते लख लख वधाइया दिता हो यही कामना करता कि गुरु महाराज कृपा कर। सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें सबसे पहले मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया। इसके पश्चात भजन गायक राहुल चावला एंड पार्टी दिल्ली वालों ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर
माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने भजन गायकों को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि मंदिर कोट करार खां जालंधर में भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सबसे पहले झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इसके पश्चात पिछले 3 दिनों में रखे गए श्री रामायण जी के पाठ का भोग डाला गया, जिसके पश्चात कीर्तनी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर सरपंच माइकल, अकाली नेता गुरमीत सिंह, पूर्व चेयरमैन दर्शन सिंह, भाजपा नेता कुलदीप सिंह कोट ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर नंबरदार बलवीर सिंह, परमजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, लव एएसआई चरणजीत सिंह, अमरजीत गोपी, लाडी बलकार सिंह सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। अंत में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन कुलदीप की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। अमृतसर के रियाल्टो चौक में लुटेरों ने लूट की नियत से चलाई गोली, एक नौजवान की हुई मौत। अमृतसर के अधीन आते इलाके नवाकोट में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, 26 तोला सोना, 70,000 रुपए की नकदी चोरी कर हुए फरार। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष में श्री अकाल तख्त साहिब से निकाला गया अलौकिक नगर कीर्तन, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।